वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगी कैसे हम लोग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पर क्लॉथ डायपर्स धोते हैं। मैं यहाँ पर एक सैमसंग का वॉशिंग मशीन यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं क्लॉथ डायपर्स को बच्चों के ऊपर से खोलने के बाद फ्लोर में ऐसे रख देती हूँ इंस्टेंटली। उसका बाद मैं इसको सिंक के नीचे एक खुला हुआ बकेट में रखती हूँ। खुला हुआ बकेट में रखने से ये एयर आउट होता है तो स्मेल बहुत कम आता है। उसके बाद जो पूपी डायपर होता है वो मैं पहले ही स्प्रे कर लेती हूँ टॉयलेट में, और पूरा पूप क्लीन होने के बाद मैं ये पूपी डायपर्स को बाथरूम में ही एक बकेट के अंदर रख देती हूँ। फिर वॉशिंग डे में मैं ये डायपर्स को वॉश कर लेती हूँ। पहले प्री वॉश करती हूँ, मशीन को ऑन करके नॉर्मल साइकिल में मैं इसको प्री वॉश करती हूँ। वाटर लेवल मैं चूज़ कर लिया, फिर इसके अंदर सभी डायपर्स को मैं डाल दूँगी। डायपर्स मैं खोलने के बाद पॉकेट के अंदर से इंसर्ट्स नहीं निकालती हूँ, इसीलिए लॉन्ड्री करने के टाइम में मैं क्लॉथ डायपर्स को अच्छा से खोल के वॉशिंग मशीन में डालती हूँ और इंसर्ट्स को पॉकेट डायपर्स के अंदर से निकाल लेती हूँ। जो मैं क्लॉथ वाइप्स यूज़ करती हूँ वो सब कुछ प्री वॉश में जाती है, और अभी ऐसे अच्छा से क्लॉथ डायपर के अंदर से इंसर्ट्स को निकालना ज़रूरी है ताकि वो अच्छा से वॉश हो जाए। और कभी कभी कोई फिटेड डायपर के अंदर भी इंसर्ट्स रहता है तो वो सब कुछ निकाल लेना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे हाफ स्कूप सर्फ एक्सेल मैटिक पाउडर यूज़ किया और अभी इसको प्री वॉश के लिए छोड़ देंगे। मेरे वॉशिंग मशीन के मुताबिक ये 38 मिनट्स लेने वाला है सिंगल रिंस करके प्री वॉश करने के लिए। मैं मेन वॉश में डबल रिंस यूज़ करती हूँ ताकि पूरा अच्छा से डिटर्जेंट हो जाए। और अभी जो ये पानी आप लोग गंदे देख रहे हैं ये डायपर में रहे हुए पी एंड पूप है, इसीलिए प्री वॉश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम लोग एक वॉश करेंगे तो डायपर्स अच्छा से वॉश नहीं होता है। अभी प्री वॉश ख़त्म होने के बाद मेन वॉश के लिए हम लोग लौट आएंगे। फिर मेन वॉश में पहले ये डायपर्स जो वॉशिंग मशीन में चिपक जाता है स्पिन साइकिल होने के बाद, उसको हम लोगों को अच्छा से खोल लेना है। अगर हम लोग ये ठीक से नहीं खोलेंगे तो प्रॉपर बल्क हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। प्रॉपर बल्क अगर हम लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े ऐड कर दे सकते हैं, फिर ये अच्छे से वॉश नहीं होगा। उसके बाद हम लोग 1.5 स्कूप पाउडर डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, फिर उसमें बेबी क्लोथ्स वगैरह डाल के इसको भर्ती कर लेते हैं। और मैं नॉर्मल साइकिल चूज़ किया डबल रिंस के साथ, तो ये 60 मिनट्स लेता है मेरे वॉशिंग मशीन में अच्छा से रिंस होके क्लीन होने के लिए। फिर एक बार बल्क चेक करके मैं इसको मेन वॉश के लिए छोड़ दिया। फिर जब पानी भर जाएगा और वॉश होना शुरू हो जाएगा तो ठीक से चेक कर लीजिए आपका बल्क ठीक है कि नहीं है। अगर बहुत कम डायपर रहेगा तो ये पानी में घूमता रहेगा और ठीक से क्लीन नहीं होगा, और अगर बहुत ज़्यादा डायपर्स और कपड़े हो गया तो ये अच्छा से एजिटेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत टाइट रहेगा, फिर ये अच्छा से क्लीन नहीं होगा। आप इसमें कोई भी बच्चों का कपड़ा या छोटे कपड़े यूज़ कर सकते हैं बल्क के लिए। बहुत बड़ा करने से फिर ये डायपर्स बहुत छोटे हैं तो ये अच्छा से क्लीन नहीं होगा। और ये धोने का बाद मैं बस इसको ड्राइंग रैक में डाल के बालकनी में रख देती हूँ। थोड़ा धूप आने का बाद मैं इसको अंदर रूम में रख देती हूँ। कभी कभार प्री फोल्ड्स और जो फिटेड डायपर्स होता है स्पेशली बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ड्राई होने के लिए, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसको फिर से धूप में थोड़ा रख देती हूँ। और जो इंसेक्ट्स हैं वो भी कभी कभी बहुत टाइम लेते हैं ड्राई होने के लिए। अगर वॉशिंग के बाद आपके डायपर्स में पूप का स्टेन रह जाता है तो गीला रहते रहते इसको धूप में रख दीजिए। धूप ये सब स्टेन्स को क्लीन कर देता है, लाइट हो जाता है अगर पूरा नहीं गया तब भी। और ड्राई होने का बाद मैं इसको घर पे लाके रखता हूँ और टाइम मिलने से इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ, और ऐसे ही मेरा डायपर लॉन्ड्री हो जाता है।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।